कि हम सेवा करते हैं, यानी लड्डू गोपाल जी देखो भाव होते हैं भक्त के, कोई लाला कहता है कोई गोपाल कहता है, तो वो कहते हैं लाला विराजमान है। तो आप हमें एक बात बताइए कि सुबह तो जैसे हम स्नान वगैरह करके ही ठाकुर जी की सारी सेवा करते हैं, लेकिन दिन में कई बार हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, बाथरूम जाना पड़ता है शौच इत्यादि के लिए, तो फिर हम क्या हमें बार बार नहाना पड़ेगा, क्योंकि फिर कहते हैं कि अशुद्धि हो जाती है। तो ऐसे में हम गोपाल की सेवा तो सारा दिन करनी पड़ती है, तो ऐसे में हम गोपाल जी की सेवा किस प्रकार करें? तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सरल सी साधारण सी बात है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। तो देखिए शास्त्रों के अनुकूल तो बहुत कुछ आता है, जो मंदिरों में गोपाल विराजमान है, मंदिरों में ठाकुर विराजमान है, उनकी बात अलग होती है, और जो घर में विराजमान गोपाल है जिसको हम पुत्र बनाते हैं, भाई बनाते हैं, सखा बनाते हैं, फैमिली का एक मेंबर बनाते हैं, तो इसकी बात अलग होती है। घर सबसे पहले बात आप ये समझिए, घर के ठाकुर और मंदिर के ठाकुर में जमीन आसमान का अंतर होता है। हाँ ठीक है, चाहिए घर में विराजमान है, फैमिली के मेंबर है, लेकिन हमें स्वच्छता और शुद्धता इन चीजों का भी ध्यान देना चाहिए। है तो ये ईश्वर, है तो ये भगवान, चाहे घर में एक पुत्र बन के बैठ गए हैं, चाहे घर में एक भाई बन के बैठ गए हैं, इनकी भवता और इनकी भगवंता को हमें नहीं भूलना चाहिए, इनकी ठकुराई को हमें नहीं भूलना चाहिए। ये ठाकुर है, ये